हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC ई पाठशाला में। कुछ समय पहले मैंने CGPSC मेंस का एक PDF अपलोड किया था, जिसके किसी को भी पता नहीं बता दूं, CGPSC मेंस पेपर नंबर 6 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का PDF अपलोड कर दिया गया है। जिस किसी को भी चाहिए उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, पहले कमेंट में, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया गया है। आप चाहे तो जाके वहाँ से ले सकते हैं। इसके प्राइस से रिलेटेड किसी प्रकार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कंटेंट के हिसाब से इसका प्राइस रखा गया है। मार्केट में बहुत से बुक अवेलेबल है, आप उस बुक को ही प्रीफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक CGPSC मेंस के इंपॉर्टेंट बुक का लिस्ट बना करके, लिस्ट वाला एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। आप चाहे तो वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बुक और ऑथेंटिक बुक का लिस्ट दिया गया है, वहाँ से उस बुक को प्रीफर कर सकते हैं। चॉइस आपका है, नोट से पढ़ना नोट से पढ़िए, आपका जो बुक का लिस्ट बताया है उस बुक के लिस्ट से पढ़िए, किसी भी सोर्स से पढ़िए, बट अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक, कमेंट करने में या क्रिटिसाइज करने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ज़रूरत है तो लीजिए, वरना आपके पास मार्केट में बहुत से सोर्स अवेलेबल है। अब आप में से जो लोग CGPSC मेंस की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको एक सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए, जो लोग पहले 2-3 साल से तैयारी करते आ रहे हैं या ऑलरेडी मेंस दे चुके हैं तो वो तो अपने हिसाब से तैयारी करेंगे, लेकिन जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है वो पिछले जो 4-5 साल के जो मेंस के पेपर है उसे कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करते हुए पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि CGPSC मेंस का सिलेबस हाथ में है, टॉपिक वाइज उन चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं। पेपर देखिए, उसमें खंड के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से छोटे प्रश्न आ रहे हैं, किस टॉपिक से ऑप्शनल वाले प्रश्न आते हैं, मतलब या तो ये प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए अथवा दूसरा प्रश्न, दोनों में से कोई एक प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए। तो ऐसे क्लासिफाइड करते हुए तैयारी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि एक एक टॉपिक उठा लिए उसको पूरा कंप्लीट स्टडी करते हुए चल रहे हैं। CGPSC मेंस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसमें से कई टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आज तक प्रश्न पूछे भी नहीं गए हैं। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। वैसे ही मैंने अपने नोट्स में 85% के आसपास सिलेबस कवर किया है जिनसे प्रश्न पूछे जाते आए हैं अभी तक एग्जाम में। ठीक, तो वैसे ही आप भी एक क्वेश्चन पेपर का लिस्ट को एनालिसिस करते हुए चलिए कि किन सेक्टर से छोटे प्रश्न आ रहे हैं, किन सेक्टर से बड़े प्रश्न आ रहे हैं, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो बर्डन भी कम पड़ेगा और टॉपिक वाइज अच्छे से आपका तैयारी भी होगा। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके मई माह के करंट अफेयर्स पर। आज के ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम केवल जो बेसिक आपके करंट अफेयर जो है, जैसे चर्चित स्थान हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, खेल हो गए, साइंस टेक हो गए, केवल ये बेसिक करंट अफेयर को देखेंगे। जो आपका लोकसभा चुनाव हुए हैं इसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जो भी 4-5 दिन के अंदर में आ जाएगा, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में पहले नंबर पर है आपका उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान। उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान ये मिला है आपका सनौली यूपी में, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के सनौली नामक ग्राम में आपका उत्तर हड़प्पा कालीन सबसे बड़े कब्रिस्तान मिले हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन बड़े कब्रिस्तान, विशाल कब्रिस्तान मिले हैं आपका सनौली उत्तर प्रदेश में यहाँ पर। और इसकी जो आपका सनौली जो उत्खनन क्षेत्र है, इसका जो यहाँ पे उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था वर्ष 2018 में, तो अभी इस महीने मई माह में ही इसमें अभी उत्तर हड़प्पा कालीन यहाँ पे एक बड़ा कब्रिस्तान होने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लगभग 4000 साल पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं, ताबूत मिला है। ठीक, वहाँ पे कुछ मृदभांड भी मिले हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मिला है वो है आपका उत्तर हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। ठीक, दूसरे नंबर पर है आपका एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट, इसे डेवलप किया जा रहा है बिहार राज्य सरकार के द्वारा तरेगना नामक स्थान पर बिहार सरकार के द्वारा आपका एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट डेवलप किया जा रहा है। ये जो तरेगना जगह है, ये आपका जो हमारे प्राचीन भारत के जो खगोल विज्ञान विद थे उनका नाम था आर्यभट्ट, तो ये आर्यभट्ट का था आपका कार्यस्थल। ठीक, आर्यभट्ट का कार्यस्थल था कौन सा, तरेगना नामक जो ग्राम है, तो वहाँ पर उसे एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट, एस्ट्रो मतलब है आपका एस्ट्रोलॉजी, ठीक, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट के रूप में आपके बिहार सरकार के द्वारा तरेगना नामक जो जगह है उसे एस्ट्रो टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जा रहा है।
थर्ड नंबर पर है आपका बुंदेलवंशीय स्थापत्य कला। बुंदेलवंशीय स्थापत्य कला, जगह का नाम है आपका ओरछा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो ओरछा शहर है उसे आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अस्थायी सूची के रूप में शामिल किया गया है। यानी जैसे विश्व धरोहर स्थल की हर साल एक सूची जारी की जाती है, ठीक, तो उसमें अभी अस्थायी तौर पर मध्य प्रदेश के इस ओरछा शहर को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? यहाँ पर जो आपके जो स्थापत्य कला है, बुंदेलवंशीय स्थापत्य कला के कारण इसे यूनेस्को के आपके विश्व धरोहर स्थल की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट का डिपॉजिट है आपके अरुणाचल प्रदेश में। पूरे के पूरे अखिल भारतीय स्तर पर ग्रेफाइट का सबसे बड़ा डिपॉजिट पाया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के द्वारा जब वहाँ पे सर्वे किया गया तो पूरे के पूरे भारत का लगभग 35% ग्रेफाइट का डिपॉजिट अकेले अरुणाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका तेंदुआ और सेटोर हिल चित्र। तेंदुआ और सेटोर ये मिला है आपका नीरो महल आपके इटली में। इटली के एक पूर्व राजा है, उनका जो महल है उनका नाम है नीरो महल। तो नीरो महल में जब आपके मेंटेनेंस का कार्य वहाँ पे चल रहा था तो वहाँ पर एक अंडरग्राउंड एक गुफा मिला है। महल के भीतर ही एक अंडरग्राउंड गुफा मिला है। उस गुफे के अंदर लगभग 2000 साल पुराने आपके भित्ति चित्र मिले हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो आपके भित्ति चित्र है वो है आपके तेंदुआ और सेटोर। तेंदुआ जो आप सभी जानते ही होंगे तेंदुआ क्या होता है। सेटोर मतलब एक आपका आधा मानव आधा घोड़ा, यानी आपके कमर के ऊपर का हिस्सा उसका मानव का रहता है और कमर के नीचे का हिस्सा पूरा घोड़ा का रहता है, उसे कहा जाता है सेटोर। तो आपका तेंदुआ और सेटोर भित्ति चित्र मिला है आपका नीरो महल इटली फ्रांस में, ठीक। WHO मलेरिया मुक्त राष्ट्र, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपका अल्जीरिया और अर्जेंटीना को आपका मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। वर्ष 2013 के बाद से लेकर के वर्ष 2018 के बीच ये जो आपके दो राष्ट्र है अल्जीरिया और अर्जेंटीना, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया। इस कारण से आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मलेरिया मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है दो राष्ट्र को। कौन कौन सा? अल्जीरिया और अर्जेंटीना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए, अभी ये मई माह में कुछ कानून पारित किए गए हैं, इंपॉर्टेंट कानून है, आपको याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर है किसान आयोग। मेघालय राज्य सरकार के द्वारा आपका अलग से किसान आयोग स्थापित किया जा रहा है। किस कृषि संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जो अचानक से कोई प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जिससे कृषि फसल नुकसान हो जाती है, तो ये सारी समस्याओं का जो निपटारा करने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, मतलब फसल के हिसाब से मौसम का पूर्वानुमान आदि करने के लिए आपके अलग से एक कृषि डिपार्टमेंट बनाया गया है। देखिए, हर सरकार में कृषि विभाग होते हैं, केंद्रीय सरकार में भी कृषि विभाग होता है, राज्य सरकार में कृषि विभाग होता है, लेकिन इसका फिर भी ये प्रभावी तौर पर आपके कृषि की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे, इसलिए मेघालय सरकार ने पृथक रूप से एक कृषि आयोग का गठन किया है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे पहले भी मेघालय सरकार ने कृषि के तरफ लोगों को, मतलब कृषि से संबंधित समस्याओं पर लोगों का ध्यान एकत्रित करने के लिए उसने दिसंबर 2018 में मेघालय राज्य सरकार ने मेघालय की विधानसभा में अलग से एक सत्र बुलाया था कृषि संसद के नाम से, दिसंबर 2018 में बुलाया था, ठीक। तो इसी कृषि संसद में यह निर्णय लिया गया था कि अलग से कृषि आयोग का गठन किया जाएगा और अभी आपके मई 2019 में कृषि आयोग का गठन कर भी दिया गया है, ठीक। 24/7 शॉप ओपन आपका गुजरात में, आपका गुजरात की दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2019 लाया गया। इस गुजरात की दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 2019 के माध्यम से अब ये पारित भी हो गया है और 1 मई से यह लागू भी हो गया गुजरात में। यानी गुजरात में अब सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे दुकान खुले रह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा दुकान मालिकों के ऊपर, यदि वो चाहे तो आपके सप्ताह में सातों दिन और 24 घंटे अपने दुकान ओपन रख सकते हैं। देखिए, गुजरात आप सभी को मालूम है ये एक बिजनेस सिटी है, वहाँ पे बहुत
सारे व्यापारी लोग रहते हैं, ठीक। यहाँ पे पहले क्या था कि रात के 12 से 6 बजे तक यहाँ पे दुकान खोलने का अनुमति नहीं था, तो अभी नया अधिनियम लाया गया है, गुजरात की दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम 2019, जो 1948 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। तो इस अधिनियम के आने के बाद अब गुजरात की दुकानें सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रह सकते हैं, ठीक। 1 मई 2019 से यह लागू भी हो चुका है। नेक्स्ट है आपका LTTE, ये एक आपका एसोसिएशन है, एक समुदाय है। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। देखिए, इसमें काफ़ी समय से प्रतिबंधित आपका ये एक एसोसिएशन है, एक समुदाय है। एक्चुअली में जो समुदाय है, इस पर प्रतिबंध लगा था 1992 में जब राजीव गांधी की हत्या की गई थी, तो उसके पश्चात जो है इस जो एसोसिएशन है या जो ये जो समूह है, इससे प्रतिबंध लगाया गया था। 1992 से लेकर हर 5 साल के लिए इसमें प्रतिबंध लगाया जाता है, और हर 5 साल के बाद इस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में इसमें एक न्यायिक समिति का गठन किया गया है, जो इन पर लगाया जाने वाले जो प्रतिबंध है उसके पर्याप्त कारणों को बताने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। देखिए, ये जो आपका LTTE है, मतलब जो आपका लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम है, ये एक आपका संगठन है, एक सैन्य संगठन बोल सकते हैं, छोटे स्तर पर एक सैन्य संगठन है, जो कि एक अलग से पृथक तमिल राष्ट्र की मांग कर रहा था, पृथक तमिल राज्य की मांग कर रहा था। इसने एक समय में आपका जो ये जो सक्रिय रूप से है, ये सक्रिय रूप से है आपके श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और हमारे तमिलनाडु राज्य में, ठीक। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो हत्या में इनके जो समुदाय है, इनके समुदाय के हाथ होने की बात इसमें सम्मिलित होने की बात इसमें कही गई थी, जिस कारण इसे प्रतिबंध लगाया गया था। एक समय ऐसा भी आया था कि इसने श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था, तब श्रीलंका सरकार को वहां पे सेना भेज करके इनसे लड़ाई करना पड़ा और श्रीलंका के उस क्षेत्र को इनके कब्जे से हटाना पड़ा। तो काफी अगर बोला जाए कि एक यह हिंसक संगठन है, जिसमें कंटिन्यूस भारत सरकार हर 5 साल के बाद इसमें आपका प्रतिबंध लगाते जा रही है। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगर इनका जगह या इनका क्षेत्र पूछा जाए, सक्रिय क्षेत्र पूछा जाए, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में इनका विस्तार है, ठीक। नेक्स्ट है आपका जलवायु आपातकाल की घोषणा। जलवायु आपातकाल की घोषणा, कंटिन्यू जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, तो इस जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ब्रिटेन की संसद ने एक आपका आपातकाल की घोषणा की है, जलवायु आपातकाल की घोषणा, ठीक। देखिए, कंटिन्यू आपका जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तो जो ब्रिटेन की संसद है, वो विश्व की पहली ऐसी विधायी संस्था बन चुका है जिसने अपने संसद में या संसद के सत्र में पहली बार जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। अब जो है, जो आपका जो ब्रिटेन की जो संसद है, वो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को इस जलवायु के क्षेत्र में या जलवायु के से संबंधित अलग अलग दिशा निर्देश दे रहा है। अपने इस ब्रिटेन को वो कार्बन तटस्थ राष्ट्र बनाना चाहता है, इसके अलावा शून्य अपशिष्ट वाला अर्थव्यवस्था वाला देश भी बनाना चाहता है, ठीक है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का पहला जलवायु आपातकाल की घोषणा किस देश में की गई, तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के बाद अभी कुछ समय पहले ही आपके आयरलैंड ने भी अपने संसद में जो एक अधिनियम लाया है, और अधिनियम लाने के साथ साथ उसने अपने भी देश में जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जलवायु आपातकाल की घोषणा की, वो है आपका ब्रिटेन। सेकंड नंबर पर है आयरलैंड, जो कि स्वयं की अर्थव्यवस्था को शून्य अपशिष्ट अर्थव्यवस्था में बदलना चाहते हैं और अपने देश को एक कार्बन तटस्थ देश बनाना चाहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका फेक न्यूज़ कानून पारित किया गया है आपके सिंगापुर के संसद के द्वारा आपके फेक न्यूज़ पर एक कानून पारित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार के आपके झूठी खबर को फैलाता है, तो उस केस में उसे 10 साल की सज़ा या $1,000,000 तक का जुर्माना हो सकता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा सज़ा का प्रावधान है और जुर्माने की भी राशि काफ़ी बड़ी है। जैसे फेक न्यूज़, जैसे आप हमारे इंडिया में भी काफ़ी होता है, व्हाट्सअप, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी फेक न्यूज़ एकदम वायरल हो जाते हैं। जैसे कभी सुनने मिलता है कि बाबा रामदेव की मृत्यु हो गई है ना, ऐसे तो कई अलग अलग तरीके से आपके फेक न्यूज़ आपको सुनने मिलते हैं। तो उसी के ऊपर आपका जो सिंगापुर की जो सरकार है, उसने अलग से कानून बनाया है, फेक न्यूज़ कानून, जिसमें यदि कोई व्यक्ति फेक न्यूज़ को अगर फैलाता है, तो उस कंडीशन में उसे $1,000,000 तक का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट है
दुनिया का पहला सुखद बजट, दुनिया का पहला सुखद बजट पेश किया गया है आपके न्यूजीलैंड की संसद में, न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में आपका दुनिया का पहला सुखद बजट पेश किया गया है, जो मुख्यतः केंद्रित है आपकी गरीबी और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, गरीबी और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर केंद्रित है। ये जो आपका बजट है, इस बजट का जो एक सेंटर पॉइंट है वो है आपका गरीबी और दूसरा मानसिक तनाव। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्ति कंटिन्यू टेंस रहता है, डिप्रेशन की ओर जा रहा है। तो इन सभी चीजों को एनालिसिस करके ये बजट तैयार किया गया है, जिसमें सेंटर पॉइंट रखा गया है आपके गरीबी और आपका मानसिक स्वास्थ्य। तो ये आपसे यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला सुखद बजट किस देश में पेश किया गया है, तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपके सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत आपके पद पूर्ण हुए, सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत पद पूर्ण। देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या है 31। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश के साथ आपके जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 31। तो अभी हाल फिलहाल में आपके सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति की गई और 4 नए जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो स्वीकृत जजों की पदों की संख्या है वो 31 पूर्ण हो चुकी है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत जो आपके जज है उनके जो पदों की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 31। वर्तमान में कितनी है, तो 31। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ साइंस टेक के ऊपर। देखिए किलोग्राम की नई परिभाषा, किलोग्राम की नई परिभाषा अभी हाल फिलहाल में भारत के साथ साथ 101 देशों ने आपके किलोग्राम की नई परिभाषा को अपनाया। किलोग्राम की नई परिभाषा को भारत के साथ साथ 101 अन्य देशों ने अपनाया। देखिए ये जो किलोग्राम की नई परिभाषा है, अभी जो किलोग्राम को जो मापने का जो नया जो आपका बोला जाए एक सिस्टम तैयार किया गया था वो था आपका किब्बल तराजू। किब्बल तराजू, पहले इसे एक धातु आपका प्लेटिनम और इरिडियम, ये दो धातु के बेलनाकार जो धातु है उसके माध्यम से इसे नापा जाता था। लेकिन अभी कुछ समय पहले, मतलब पिछले साल का न्यूज़ है, जिसमें आपका किलोग्राम को जो उसको तोला जाता है उसे किब्बल तराजू के माध्यम से तोला जाएगा। किब्बल तराजू के एक तरफ आपका भार रखा जाएगा और दूसरे तरफ उस भार को संतुलित करने के लिए विद्युत चुंबकीय बल लगाया जाएगा। तो जितने विद्युत चुंबकीय बल से वो भार आपका बैलेंस हो जाएगा उसे ही आपका 1 किलोग्राम माना जाएगा। ये उस समय का करंट था। लेकिन अभी का जो करंट का जो न्यूज़ है उसमें क्या किया गया है कि जो किलोग्राम की जो नई परिभाषा है, किलोग्राम की नई परिभाषा को इस प्लांक स्थिरांक के माध्यम से नापा जाएगा। यानी देखिए क्या होता है कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में कोई भी परिभाषा या कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए अगर सटीक कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए एक कॉन्स्टेंट की जरूरत होती है। किसी भी स्थिरांक या कॉन्स्टेंट के माध्यम से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। तो बस यही कारण है कि जो किलोग्राम की नई परिभाषा अपनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि जो किलोग्राम का जो मापन है उसे प्लैंक स्थिरांक के माध्यम से किया जाएगा। प्लैंक स्थिरांक यानी प्लैंक कांस्टेंट के माध्यम से आपके 1 किलोग्राम की नई परिभाषा तैयार किया गया है। तो जो किलोग्राम का जो आपका माप है उसे प्लैंक स्थिरांक के माध्यम से किया जाएगा। और प्लैंक स्थिरांक का मान कितना होता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्लैंक स्थिरांक का जो मान होता है वो है आपका 6.6260 × 10⁻³⁴। 6.6260 × 10⁻³⁴ 6.6260 × 10⁻³⁴ मीटर वर्ग किलोग्राम प्रति सेकंड या जूल सेकंड। इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद रखना है। किलोग्राम की नई परिभाषा तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किलोग्राम का माप अब एक स्थिरांक प्लैंक स्थिरांक के माध्यम से किया जाएगा। उस प्लैंक स्थिरांक का जो है आपका जो इसका जो मान है वो है आपका 6.6260 × 10⁻³⁴ मीटर वर्ग किलोग्राम प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, देखिए आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे SI यूनिट है, SI यूनिट में मूल मात्रक कितने हैं, 7 मूल मात्रक है। 7, एक है आपका किलोग्राम, दूसरा है आपका लंबाई, तीसरा है आपका समय, चौथा है तापमान, पांचवा है पदार्थ की मात्रा, छठवा है आपका प्रकाश की तीव्रता और सातवा है आपका विद्युत। ये 7 मात्रक होते हैं। ठीक, तो ये जो 7 मात्रक है, तो जैसे लंबाई का है आपका मीटर, किलोग्राम का है मतलब द्रव्यमान का है आपका किलोग्राम, समय का है सेकेंड, ताप का है आपका केल्विन, विद्युत धारा का है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का है मोल और आपका
प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता का है आपका कैंडेला, ठीक। तो ये सात मात्रक होते हैं। तो देखिए जो आपका जो नई परिभाषा जो तैयार किया गया है, उन नई परिभाषा में जो सात मात्रक है, सात में से चार मात्रक ऐसा है जिसकी नई परिभाषा तैयार किया गया है। देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम किलोग्राम को ज्यादा यूज करते करके किलोग्राम को ज्यादा हाईलाइट किया गया है न्यूज में, लेकिन किलोग्राम के साथ साथ तीन और मात्रक ऐसे हैं जिसकी नई परिभाषा तैयार की गई है, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट है किलोग्राम, मोल, एम्पियर और केल्विन। किलोग्राम, मोल, एम्पियर और केल्विन। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, एम्पियर जो कि विद्युत धारा का मात्रक है, केल्विन जो कि ताप का मात्रक है। तो ये जो आपके ये जो चार है, किलोग्राम, मोल, एम्पियर और केल्विन, इनकी भी जो नई परिभाषा तैयार किया गया है और इनके लिए भी जो इनका माप है वो भी प्लांक स्थिरांक के माध्यम से इसका भी परिभाषा तैयार किया जाएगा, इसका भी कैलकुलेशन किया जाएगा। इससे संबंधित रोजमर्रा की जिंदगी में किसी जिंदगी में जो आपका किलोग्राम का जो यूज होता है उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे, ये बस कैलकुलेशन और आपके भौतिक विज्ञान से रिलेटेड इसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट 20 रुपये का नोट। 20 रुपये का नोट अभी हाल फिलहाल में आपके महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपये के नए नोट जारी किए गए हैं। तो देखिए जो 20 रुपये का नोट है उसका रंग है आपका ग्रीनिश येलो, यानी हल्का हरे रंग का पीले कलर का नोट, ग्रीनिश येलो, जिसमें जो चित्र अंकित है उसके पीछे तरफ वो है आपके एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा का आपका उसमें चित्र अंकित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर। अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अभी अमेरिका के द्वारा भारत में पहला आपका अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर का पहला खेप भेजा गया है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये अमेरिका, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये जो अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर है ये किस राष्ट्र के द्वारा भारत में इसका जो सौदा किया गया है, ऐसे टाइप के यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये अमेरिका का है, इंपॉर्टेंट है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है, ये आंख के इशारों पर हमला करता है। आंख के इशारों पर मतलब इस हेलीकॉप्टर में जो आपका पायलट बैठा रहेगा, पायलट के हेलमेट में सेंसर लगे रहेंगे, तो जिस आपका जो पायलट जिस तरफ अपनी नजरें घुमाएगा उस तरफ आपका जो हेलीकॉप्टर के नीचे जो गन लगे हुए हैं उस गन का डायरेक्शन आपका हेलीकॉप्टर में बैठे पायलट के आंखों के इशारों पर काम करेगा, ठीक। मतलब एकदम एक्यूरेट इसका जो है, मतलब काफी, अगर कहा जाए तो काफी इजी तरीके से आप किसी भी दुश्मन के ठिकानों में घुस करके आप हमला कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से पायलट के नजरों के से कंट्रोल हो रहा है, ठीक। आपका जो पाकिस्तान में छुपा हुआ जो ओसामा बिन लादेन है, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका सरकार के द्वारा इसी अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर को यूज किया गया था, ठीक। तो अभी इसका पहला खेप भारत भेज दिया गया है, तो सामरिक दृष्टि से यह हेलीकॉप्टर भारत के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका त्रिमेरे सूरस अरुणाचलिसिस, अरुणाचलेसिस। देखिए त्रिमेरे सूरस अरुणाचलेसिस ये क्या है, यह आपका लाल और भूरे रंग का आपका हीट सेंसिंग सांप की एक प्रजाति है जो पूरे भारत भर में अकेला अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। एक नई प्रजाति है, ये केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम आपके अरुणाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, त्रिमेरे सूरस अरुणाचलेसिस। ये आपके हीट सेंसिंग सांप की एक लाल भूरे रंग की नई प्रजाति है। नेक्स्ट है आपका रीसेट टू बी, जिसका हाल फिलहाल में आपका प्रक्षेपण किया गया, ये एक अवलोकन उपग्रह है। रीसेट टू बी एक अवलोकन उपग्रह है। यदि हम बात करें तो ये जो रीसेट है ये सैटेलाइट का एक सीरीज है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट या रीसेट टू बी, जो कि एक अवलोकन उपग्रह है जिसे PSLV C-46 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये अवलोकन उपग्रह है, इसे मुख्यतः कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित आंकड़े कलेक्ट करने के लिए एक अवलोकन ग्रह के रूप में प्रक्षेपित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है अब बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक है, पहले नंबर पर है क्रिक जोन, जो कि विश्व का पहला महिला क्रिकेट पर आधारित पत्रिका है। विश्व का पहला महिला क्रिकेट पर आधारित एक पत्रिका प्रकाशित किया गया है जिसका नाम है क्रिक जोन। देखिए अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखें तो जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट है तो उसका जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो मैगजीन पब्लिश होता है उसका नाम है आपका विजडन, ठीक। तो वैसे ही आपके महिला क्रिकेट के लिए अलग से एक सेपरेट पत्रिका प्रकाशित किया गया है, उसका नाम है आपका क्रिक जोन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए
देखिए जो इस क्रिक जोन का जो कवर पेज है, कवर पेज तथा इसके जो उद्घाटन लेख है उसमें जो हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की जो आपकी उप कप्तान है स्मृति मंधाना इस क्रिक जोन के कवर पेज में इनकी फोटो है, साथ ही साथ इसका इनका जो एक्सपीरियंस है उसे उद्घाटन लेख के रूप में इस क्रिक जोन मैगजीन में सम्मिलित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेलेस्टियल बॉडीज। यह एक बुक है जो कि जोखा अलार्थी के द्वारा लिखा गया है। जोखा अलार्थी एक महिला राइटर है ओमान की। यह एक महिला राइटर है जिनकी बुक का नाम है आपका सेलेस्टियल बॉडीज। इनकी बुक को मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, देखिए मैन बुकर पुरस्कार की दो कैटेगरी है, एक है आपके मैन बुकर पुरस्कार, दूसरा है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास या किसी भी आपके स्टोरी पर, कोई भी बुक जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्रदान किया जाता है इंग्लिश के अलावा जो किसी दूसरी भाषा में यदि कोई बुक लिखा गया है और उस दूसरी भाषा से उस बुक का अनुवाद यदि इंग्लिश में किया जाए। देखिए ये जो आपका सेलेस्टियल बॉडीज जो बुक है ये लिखा गया है आपका अरबी भाषा में इस बुक को लिखा गया था, जिसे किसी दूसरे राइटर ने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट करके इसे पब्लिश किया, तो उसके लिए मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है आपके जोखा अलार्थी को। मतलब दूसरी भाषा के बुक को यदि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाए तो उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और कोई बुक जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही यदि पब्लिश किया जाए तो उसके लिए मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राइटर का नाम याद रखिएगा। ये जो आपकी ये जो बुक है, इस बुक की स्टोरी तीन बहनों पे, एक मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाली तीन बहनों के इर्द गिर्द इस बुक की स्टोरी है। नेक्स्ट है गेम चेंजर। यह आत्मकथा है आपके पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर आपके प्लेयर शाहिद अफरीदी की यह आत्मकथा है जिसका नाम है गेम चेंजर। इस बुक के राइटर है आपके वजाहत खान इस बुक के राइटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तीनों बुक आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विधानसभा चुनाव। आप सभी को मालूम होगा कि जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो उस समय लोकसभा चुनाव के साथ साथ चार राज्यों में आपके विधानसभा चुनाव भी चल रहे थे। बहुत से लोगों को ये चीज़ मालूम भी नहीं है। ठीक, तो जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय हमारे देश में चार राज्यों में आपके विधानसभा चुनाव भी हुए, तो उन विधानसभा चुनाव में किस किस राज्य में किस पार्टी ने जीता, कौन सी पार्टी किस किस राज्य में जीती और वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बने, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद करते चलिएगा। देखिए विधानसभा चुनाव जो अभी 2019 में हुए अभी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम। देखिए उड़ीसा में आपके जो नवीन पटनायक पांचवी बार उड़ीसा के आपके मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले लिया है। ठीक, ये जो नवीन पटनायक है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं तथा इनकी जो पार्टी है ये है आपकी बीजू जनता दल बीजेडी प्रमुख यानी बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक पांचवी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश में है आपके जगमोहन रेड्डी भी आपका शपथ ले चुके हैं आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए इनकी जो पार्टी का नाम है वो है आपके YSR कांग्रेस। ये बीजेपी कांग्रेस वाला कांग्रेस नहीं है, ये दूसरा कांग्रेस है। YSR मतलब आपका युवा श्रमिक रायथू कांग्रेस, ऐसे करके कुछ इसका फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो आपके YSR कांग्रेस प्रमुख जगमोहन रेड्डी, ठीक, वो अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। नेक्स्ट है आपके अरुणाचल प्रदेश में आपके है पेमा खांडू जो कि बीजेपी भारतीय जनता दल, ठीक, बीजेपी के आपके अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के बीजेपी के प्रमुख है, तो वो अब पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने भी शपथ ले लिया है। नेक्स्ट है आपके सिक्किम में है आपका प्रेम सिंह गोले जिनकी पार्टी का नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रमुख प्रेम सिंह गोले ने भी आपके सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट और रैंकिंग। देखिए 2017
2017-18 में 2017-18 वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक राष्ट्र 2017-18 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक राष्ट्र यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक। तो उसका जो निवेशक राष्ट्र है वो बना है आपका नीदरलैंड। इंपॉर्टेंट है नीदरलैंड 2017-18 के लिए भारत का तीसरा बड़ा सबसे आपका FDI राष्ट्र बना है या प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक राष्ट्र बना है। इंपॉर्टेंट है याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश। भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश, तेल आपूर्तिकर्ता मतलब पेट्रोलियम ठीक। देखिए ये है आपका इराक। इराक पिछले 2 सालों से भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। इससे पहले यदि हम परंपरागत तौर पर देखें तो काफ़ी समय से भारत का जो शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है वो था आपका सऊदी अरब। लेकिन अभी पिछले 2 साल से यानी वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2017-18 इन 2 सालों से भारत का जो शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता वाला देश है वो है आपका इराक। इंपॉर्टेंट है याद रखना है, CGPSC एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा चुका है ठीक। देखिए वर्ष 2018 में सैन्य खर्च के मामले में मतलब सेना के रखरखाव में आपके थल सेना, वायु सेना, जल सेना सभी का यदि हम देखें तो 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथा बड़ा राष्ट्र है ठीक। सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथा बड़ा राष्ट्र है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे नंबर पर है आपका सऊदी अरब और चौथे नंबर पर है हमारा भारत जो वित्तीय जो आपके वर्ष 2018 में सैन्य खर्च के मामले में चौथा बड़ा राष्ट्र है। नेक्स्ट है UNO की रिपोर्ट ठीक। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2019 के लिए भारत में जो विकास दर है वो रहेगा आपका 7.1% ठीक। अब नेक्स्ट है आपका कारोबारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक। कारोबारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंपॉर्टेंट है याद रखना है। देखिए कारोबारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मतलब आप किसी कंपनी को कितनी सुगमता से कोई देश की सरकार किसी कंपनी को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए कितनी सुगमता से उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उन्हें जमीन प्रोवाइड करती है ठीक, उन्हें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन में हाँ, या कोई आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी में, वो सारे फैक्टर इसके अंतर्गत काउंट होते हैं ठीक। तो कारोबारी प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अंदर अभी पहले पोजीशन पर है आपके सिंगापुर, दूसरे पोजीशन पर है आपका हांगकांग, तीसरे पोजीशन पर है अमेरिका। देखिए इसमें चाइना और अमेरिका में कंफ्यूज मत होइएगा, पिछले साल तक आपका अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर था लेकिन इस साल जो आपका अमेरिका है अमेरिका तीसरे नंबर पर आ गया है। स्टार्टिंग के 3 को याद रखिएगा, सिंगापुर सेकंड नंबर पर है, हांगकांग थर्ड नंबर पर है आपका अमेरिका, जबकि हमारा जो भारत है वो 44वें नंबर पर है ठीक। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक, आप सभी को मालूम है कि अभी वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट होने वाला है, तो ये जो वर्ल्ड कप में आपके अलग अलग टीम की जर्सी के लिए अलग अलग स्पॉन्सर होते हैं, जैसे भारत के लिए जो स्पॉन्सर है वो है आपका ओप्पो ठीक, पाकिस्तान के जो स्पॉन्सर है वो एक पान मसाला है, पान मसाला का उनका जो स्पॉन्सरशिप एक पान मसाला कंपनी ने लेके रखा है, तो जो भी स्पॉन्सरशिप लेता है तो उसको मतलब उसका लोगो उनको अपने जर्सी पर रखना पड़ता है। जैसे भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत की जर्सी पर ओप्पो का लोगो आपको दिखेगा, वैसे ही पाकिस्तान के जर्सी पर आपको एक पान मसाला का लोगो दिखेगा। वैसे ही अफगानिस्तान की टीम को स्पॉन्सर कर रहा है हमारे इंडिया का अमूल, जो एक दूध का जो एक कंपनी है वाणिज्यिक तौर पर जो दूध को सेलिंग करती है ठीक। तो अमूल का जो अमूल है वो आपके अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर कर रही है, मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को वो स्पॉन्सर कर रही है, उसका मुख्य प्रायोजक है। इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का जो मुख्य प्रायोजक है वो है हमारे इंडिया का अमूल ठीक। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों का एक सेपरेट वीडियो अभी 4-5 दिन में आ जाएगा ठीक। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।